Welcome students, we are studying lubrication system. This is your lecture number 4. In the previous 3 lecture we covered need of lubrication and what is lubrication. After that, what are the various functions of lubrications and the various methods used in industries for lubrication. After that, various techniques used in handling and storage of lubricants. And in the last, the precautions we take while handling and storage of lubricants. So in this lecture we will cover preconditioning of lubricants, disposal of lubricants, and purpose and procedure of changing lubricating oil. Let's study these contents in detail. So first is your lubricants reconditioning. हमें पता है जब हम lubricants को proper handle और storage नहीं करते हैं तब वो आपके कंटेमिनेट हो जाते हैं और उस कंटेमिनेशन की वजह से आपका लॉस ऑफ मटेरियल होता है और आपकी मशीन फेल भी हो सकती है. लेकिन जो आपके ज्यादातर लुब्रिकेंट होते हैं वो आपके कंटेमिनेट होते हैं जब आप उनको मशीनों पे यूज कर रहे होते हैं. तो जो आपके यूज लुब्रिकेट लुब्रिकेंट्स हैं या फिर आप कह सकते हो यूज लुब्रिकेटिंग ऑयल हैं, उनको हम दोबारा से यूज करें इसलिए हम क्या करते हैं, रिकंडीशनिंग. सो रिकंडीशनिंग इज अ प्रोसेस of refining the used lubricating oil so that we can reuse the lubricants. So जो आपका reconditioning है वो आपका 3 category में होती है. First आपका होता है removal of contamination, या फिर second आपका होता है अगर हम उसको उसमें refresh कर देते हैं additive system को, और third आपका होता है कि हम जो lubricating oil है उसका restructuring कर देते हैं with additive system. तो ये आपका लुब्रिकेटिंग रिकंडीशनिंग है जो आपके 3 कैटेगरी में होती है. इसको हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में. सो आपका जो फर्स्ट मेथड है वो है रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन. इसमें हम क्या करते हैं, कंटेमिनेटेड पार्टिकल को एलिमिनेट कर देते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल से. सो इसमें हम जो अपना तरीका यूज करते हैं, या तो हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं या फिर कोई अदर सेपरेशन टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं. और ये मेथड हम यूज करते हैं फॉर लार्ज और सर्कुलेटिंग ऑयल सिस्टम्स के लिए, जैसे टर्बाइंस, पेपर मशीन्स, हाइड्रोलिक मशीन्स. बट समटाइम्स इट इज आल्सो यूज्ड फॉर गियर बॉक्स, स्प्लैश गियर बॉक्स लुब्रिकेशन सिस्टम. सो हम इस मेथड को समझने के लिए स्प्लैश गियर बॉक्स लुब्रिकेशन सिस्टम को समझते हैं. सो स्प्लैश गियर बॉक्स लुब्रिकेशन सिस्टम में पहले हम क्या करेंगे, मशीन को ऑफ कर देंगे. ऑफ करने के बाद हम तुरंत लुब्रिकेटिंग ऑयल को ड्रेन कर लेंगे मशीन में से. सो मशीन में से जब लुब्रिकेटिंग ऑयल को ड्रेन करेंगे तो वो आपका स्ट्रेनर से होते हुए एक टैंक में जमा हो जाएगा. और उस टैंक में जब आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल जमा होगा तो उसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे वहां पर. तो आपका इस टैंक में आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल जमा हो जाएगा, कुछ फिल्ट्रेशन आपकी स्ट्रेनर में हो जाती है. लेकिन उसके बाद जब हम इसको यहाँ पर इस टैंक में छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो आपके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. और जो आपके कंटेमिनेटेड पार्टिकल होते हैं, सो ये आपके कंटेमिनेटेड पार्टिकल, जब ये कंटेमिनेटेड पार्टिकल आपके सेटल डाउन हो जाते हैं उसके बाद जो कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स हैं वो हम ड्रेन कर लेते हैं ड्रेन वॉल्व की हेल्प से. सो ये आपका ड्रेन वॉल्व की हेल्प से चला जाएगा. और जो आपका क्लीन ऑयल है वो आपका क्लीन ऑयल वॉल्व की हेल्प से हम यहाँ पर इस कंटेनर में इसको जमा कर लेते हैं. तो ये आपका टेक्निक है जो आपकी यूज होती है स्प्लैश लुब्रिकेशन गियर बॉक्स में. इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, जब आप मशीन को बंद करो तुरंत ही आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल को निकाल लेना है वहां से, ताकि क्योंकि अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे तो जो आपका कंटेमिनेटेड पार्टिकल है वो यहाँ पर आपका सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, और ये सेटल डाउन पार्टिकल आपके फिर ड्रेन आउट नहीं होंगे. और आप जब दोबारा से इसमें नया लुब्रिकेटिंग ऑयल ऐड करोगे तो जो नीचे आपके सेटल डाउन पार्टिकल हुए हैं तो वो आपके इस फ्रेश लुब्रिकेटिंग ऑयल में आपके ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो लुब्रिकेट फ्रेश लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो भी आपका कंटेमिनेट हो जाएगा. तो ये है आपका ऑफ सर्विस रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन. नेक्स्ट हम यूज करते हैं इन सर्विस प्यूरिफिकेशन. इन सर्विस प्यूरिफिकेशन जब आपका मशीन वर्किंग कंडीशन में होता है उसी टाइम पर ही हम जो आपका कंटेमिनेटेड लुब्रिकेटिंग ऑयल है
उसको हम प्योरीफाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब आपका मशीन वर्किंग कंडीशन में होता है, आप कंटेमिनेटेड लुब्रिकेटिंग ऑयल को मशीन से निकालते हो और फिल्टर के थ्रू उसको फिल्टर करते हो और उससे कंटेमिनेटेड रिमूव करते हो, और जो आपका फिल्टर्ड ऑयल है वो पंप के थ्रू वापस आपका मशीन में डाल दिया जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपका कंटेमिनेशन कम होता रहता है और कुछ टाइम के बाद आपका जो कंटेमिनेटेड ऑयल है वो आपका फिल्टर होके पूरा कंटेमिनेशन आपका रिमूव हो जाता है। तो इसको आप बोलते हैं कंटिन्यूस फुल फ्लो प्यूरिफिकेशन, जिसमें आप पूरा का पूरा कंटेमिनेटेड लुब्रिकेटिंग ऑयल को आप फिल्टर कर देते हो। लेकिन जिसमें नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस बाईपास प्यूरिफिकेशन, इसमें हम कुछ अमाउंट हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को प्यूरिफाई करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने यहाँ से आपका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो आपका पंप के थ्रू कुछ अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका फिल्टर से होते हुए 25-60% फिल्टर से होते हुए आपका मशीन में जाएगा, और कुछ अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट 40-75% आपका विदाउट फिल्टर लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका मशीन में जाएगा। तो इसमें पार्शियल फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन इसमें भी कंडीशन वही होती है, मशीन आपकी वर्किंग कंडीशन में होती है, उसी टाइम पर ही हम फिल्टर करते हैं। तो ये आपका इन सर्विस प्योरिफिकेशन, और ये पूरा दोनों आपका ऑन ऑफ सर्विस और इन सर्विस प्योरिफिकेशन आपका आता है फर्स्ट मेथड में, जो है आपका रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन। अब हम नेक्स्ट मेथड स्टडी करते हैं रिकंडीशनिंग का। सेकेंड मेथड है आपका रिफ्रेश द एडिटिव सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो कंटेमिनेटेड लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको हम पार्शियली ड्रेन करते हैं, मतलब आधा कंटेमिनेटेड लुब्रिकेटिंग ऑयल हम कंटेमिनेटेड ऑयल टैंक में निकाल देते हैं, और उसके बाद हम फ्रेश ऑयल उसमें ऐड करते हैं ताकि आपका कंटेमिनेशन कम हो जाए। और इसी तरीके से हम आपके जो कंटेमिनेटेड लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको धीरे धीरे करके प्योर करते हैं। तो इस प्रोसेस का फायदा क्या होता है, आपका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंज करने की फ्रिक्वेंसी है वो आपकी कम हो जाती है। बट एक बात ध्यान में रखें, ये प्रोसेस आपका तभी यूज होता है जब आपका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो आपका ऑक्सीडेटिव थर्मल या हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन ना हुआ हो उसमें, यानी कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हुआ हो, दैट मीन्स उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हुआ हो, और उसमें ऐसा भी ऐसा कोई कंटेमिनेट ना हो जो रिमूव ना हो सके, तभी हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। तो ये आपका है सेकेंड मेथड। इसके बाद थर्ड है आपका रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लुब्रिकेंट विद एडिटिव सिस्टम, इसको हम रिक्लेमेशन भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आपका ब्लेंडिंग करते हैं लुब्रिकेंट का एडिटिव सिस्टम के साथ विद हीट एंड मैकेनिकल स्टीयरिंग। सो ये जो प्रोसेस है आपका, इस प्रोसेस को हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मशीन से जो आपका यूज्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो आपका पंप के थ्रू आपका हीट एक्सचेंजर से जाता है। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, आपका जो हीट है, जो हीट जो आता है, जो आपके हीटिंग, ये वाला आपका होता है हीटिंग लुब्रिकेंट जो आपका प्यूरिफाई होके आ रहा होता है, यहाँ से हीट आपकी सप्लाई होती है आपका जो डर्टी ऑयल है उसके अंदर। हीटिंग का फायदा क्या होता है, आपकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, और विस्कोसिटी कम होने से फिल्ट्रेशन अच्छा होता है। तो उसके बाद फिल्ट्रेशन होने के बाद आपका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो आपका जाता है हीटिंग चैम्बर में। हीटिंग चैम्बर में उसको हीट किया जाता है ताकि जो आपका वाटर है और जो वोलेटाइल लिक्विड है वो आपका वेपराइज हो जाए, और वेपराइज होने के बाद उसको हम अलग से स्टोर कर लेते हैं कंटेनर में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेपरेशन। और इसके बाद जब हीटिंग चैम्बर से आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल निकल के हीट एक्सचेंजर के थ्रू आपका जाता है एडिटिव चैम्बर में। एडिटिव चैम्बर में हम क्या करते हैं, एडिटिव ऐड करते हैं और उसको हम स्टेरिंग करते रहते हैं ताकि आपका एडिटिव अच्छे से ब्लेंड हो जाए आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल में, और उसके बाद जो आपका रिफाइंड लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको हम स्टोर कर लेते हैं और वापस हम रिफाइंड लुब्रिकेटिंग ऑयल को मशीन में यूज कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस। सो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस आपको करने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आपका आपने लुब्रिकेटिंग ऑयल लिया है, जो यूज लुब्रिकेटिंग ऑयल लिया है वो आपका रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए फिट है या नहीं है। कि उसमें क्या देखना होता है, आपको देखना होता है कि उसका जो बेस स्ट्रक्चर है लुब्रिकेटिंग ऑयल का वो चेंज ना हुआ हो, और उसके अंदर कोई ऐसा कंटेमिनेटेड पार्टिकल ना हो जिसको हम रिमूव ना कर सकें, तभी वो फिट होगा आपका रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और हम उसका रिस्ट्रक्चरिंग कर सकेंगे।
तो ये आपके तीनों कैटेगरीज है लुब्रिकेटिंग रिकंडीशनिंग की। सो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो था लुब्रिकेंट्स रिकंडीशनिंग। रिकंडीशनिंग में हम जो यूज लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको हम दोबारा से रिफाइन कर रीयूज करते हैं, लेकिन जो लुब्रिकेंट आपका रीयूज नहीं हो सकता है या फिर जिसकी क्वालिटी इतनी डिग्रेड हो चुकी है कि हम उसको रीयूज नहीं कर सकें, तो उसका हम डिस्पोजल कर देते हैं। तो जब भी हम लुब्रिकेंट को डिस्पोज करते हैं तो हमें दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि एक तो जो उसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और जो बाय प्रोडक्ट निकलने के बाद वो आपका डिस्पोजल के लिए स्टेबल रहे, और सेकेंड आप जब उसको डिस्पोज करोगे उस मेथड इस ऐसा मेथड होना चाहिए ताकि आपका एनवायरनमेंट भी पोल्यूट ना हो सके। सो जो आपका डिस्पोजल मेथड है वो आपका डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑयल है, आपका कंटेमिनेट किस टाइप का है, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वेस्ट ऑयल। काफ़ी मेथड्स है जो आपके डिस्पोजल के लिए यूज किए जाते हैं। जो आपका मोस्टली यूज या फिर आप कह सकते हो मोस्ट रिकमेंडेड मेथड है वो आपका बर्निंग ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एज अ फ्यूल सप्लीमेंट। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपके तीन लुब्रिकेटिंग ऑयल है जो यूज हो चुके हैं। इन लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या कहा इन तीनों लुब्रिकेंट ऑयल का एक बाय प्रोडक्ट निकाला है डीजल। डीजल को फिर हम यूज कर सकते हैं व्हीकल्स में, तो इसी को हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एज अ फ्यूल सप्लीमेंट। ये जो है ये यूज लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्यूल सप्लीमेंट है जिसको हम फर्दर व्हीकल्स में यूज करते हैं। सेकेंड मेथड है आपका रिस्ट्रक्चरिंग या फिर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल विद एडिटिव्स, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। थर्ड आपका है इनकिनेशन। इनकिनेशन में हम क्या करते हैं लुब्रिकेटिंग जो आपका यूज हो चुका है लुब्रिकेटिंग ऑयल उसको हम कम्प्लीटली बर्न कर देते हैं, और उससे जो आपकी वेस्ट हीट निकलती है इसको हम यूज करते हैं, इस वेस्ट हीट को हम यूज करेंगे। तो ये आपके लुब्रिकेटिंग डिस्पोजल मेथड है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका डिस्पोजल मेथड है वो आपका एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। एक स्टडी से पता चला है कि जो आपका यूज लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका 70% यूज लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका यूज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट एज अ फ्यूल, एंड आपका जो 10% है वो आपका लैंडफिल किया जाता है, वो भी इलीगली लैंडफिल किया जाता है, आपका डंप किया जाता है 13%, इंक्रीनेशन होता है 2%, एंड रिफाइन होता है आपका 4%। तो ये आपका स्टडी से पता चला है। जैसे कि आप देख रहे हो जो ये वाला मेथड है आपका ये सबसे ज्यादा यूज होता है, और दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड मेथड ऑफ लुब्रिकेंट डिस्पोजल। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पज फॉर चेंजिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल। हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को चेंज करते क्यों हैं? तो उसमें फर्स्ट होता है कि आपका जो कंटेमिनेट हो चुका है लुब्रिकेटिंग ऑयल उसके कंटेमिनेशन को हम रिड्यूस करते हैं, या फिर अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो लेवल है वो कम हो चुका है तो उसमें हम नया लुब्रिकेटिंग ऑयल ऐड करते हैं और उसका लेवल इंक्रीज करते हैं ताकि मशीन में प्रॉपर लुब्रिकेशन हो सके और आपका मशीन का ब्रेकडाउन रिड्यूस हो सके, जिससे आपका मेंटेनेंस भी रिड्यूस हो जाएगा और मशीन की लाइफ और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो नेक्स्ट इज योर प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल। सो लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रोसीजर जनरली यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डिपस्टिक मेथड। इसमें क्या होता है आपका एक स्टिक होता है जिसपे आपका मैक्सिमम और मिनिमम मार्क किया होता है, मैक्सिमम लेवल कितना है और मिनिमम लेवल कितना है। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं जो आपका डिप स्टिक है उसको हम बाहर निकालते हैं, उसको क्लीन करते हैं प्रॉपरली ताकि उसमें कोई डर्ट या कोई फॉरन पार्टिकल ना हो, जिससे आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल कंटेमिनेट होने से बच सके। उसके बाद इस डिप स्टिक को हम जहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल रखा हुआ है उसके अंदर हम डालते हैं, और उसके बाद आपका एक फ्लूड फिल्म आपका डिप स्टिक के ऊपर आ जाती है जिससे आपको पता लगता है कि लेवल मैक्सिमम है मिनिमम है। अगर आपका लेवल मिनिमम है या फिर उससे कम है तो आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल ऐड करना पड़ेगा ताकि आपका जो लुब्रिकेटिंग लेवल है वो प्रॉपर हो सके और लुब्रिकेंट प्रॉपरली आपका मशीन के अंदर जा सके और आपके मशीन का फेलियर बच सके। तो ये आपका प्रोसीजर है जो जनरली आप यूज करते हो। डिपस्टिक में आपका एक और चीज पता लगता है कि आपका ऑयल जो है वो आपका अभी तक कंटेमिनेट हुआ है नहीं हुआ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे आपका जो ऑयल है वो आपका कंटेमिनेट हो चुका है। इसका मतलब कि आपको ऑयल चेंज करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना है, आपको ऑयल चेंज करना पड़ेगा। तो ये मेथड भी आपका यूज होता है आपका फॉर चेंजिंग द लुब्रिकेटिंग ऑयल।
लेकिन जहां पर आपका डिपस्टिक मेथड यूज नहीं होता है, वहां पर जहाँ लुब्रिकेटिंग टैंक होता है उसके उसके साइड में ही आपका एक लेवल लेवल्स इंडिकेट करने के लिए स्केल लगा होता है, जिससे आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल का लेवल पता लगता रहता है कि आपका लो है, मिनिमम है या फिर सही है। तो ये आपका मेथड है प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल। सो दिस विल एंड योर लेक्चर एंड योर यूनिट ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम। एंड लेट्स समराइज दिस लेक्चर। सो फर्स्ट वी कवर्ड लुब्रिकेंट्स रिकंडीशनिंग। इन दिस मेथड यूज्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल इज रिफाइंड एंड रीयूज अगेन। द रिकंडीशनिंग मेथड कवर्स थ्री मेथड्स। फर्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन, सेकेंड वन इज रिफ्रेश द एडिटिव सिस्टम, एंड थर्ड वन इज रिस्ट्रक्चरिंग द एडिटिव सिस्टम। नेक्स्ट वी कवर्ड लुब्रिकेंट्स डिस्पोजल। द लुब्रिकेटिंग ऑयल विच कैनॉट बी रीयूज is disposed of, and the first method is burning of lubricating oil as a fuel supplement. In this method, a byproduct is made from the used lubricant, and this byproduct is used again as a fuel. And second method is refining the used lubricating oil, and third method is incineration of lubricating oil. After that, in the last, we studied what the purpose and procedure of changing lubricating oil. So that's all. Thank you.